तो भाई बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो गेमिंग करना चाहते हैं लेकिन उनका इतना बजट हो नहीं पाता है कि वो 40,000 या 50,000 रुपये का एक पीसी बिल्ड करें और उसके अंदर गेमिंग करें। तो आज की वीडियो में हम लोग 20 से 25,000 रुपये का एक पीसी बिल्ड करने वाले हैं जिसके अंदर आप अच्छी गेमिंग कर सकते हो, जैसे कि आप लोग GTA 5 प्ले कर सकते हो उस पर 1080p रेजोल्यूशन पे, और मीडियम सेटिंग्स के अंदर आपको एवरेज जो FPS मिलेंगे वो मिलेंगे 45, और अगर आप लोग इसको 720p पे खेलोगे तो आपको मीडियम सेटिंग्स के ऊपर भी 60+ FPS देखने को मिल जाएंगे। तो मतलब आप लोग अच्छी ढंग की गेमिंग इसके अंदर कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो ताकि जैसे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को उसका इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इस बिल्ड में हमने एक APU यूज़ किया है AMD की तरफ से, AMD Ryzen 5 2400G, और ये Vega 11 के ग्राफिक्स के साथ आता है। तो यहाँ पे ये चीज़ मुश्किल थी कि हम लोग इसके अंदर एक CPU भी लगाएं प्लस एक GPU भी लगाएं 20 से 25,000 रुपये के बजट में, तो इसलिए हमने यहाँ पे एक APU यूज़ किया जो कि 4 cores और 8 threads के साथ में आता है। और यहाँ पे आपको बेस क्लॉक स्पीड मिलेगी इसकी 3.6 GHz, और जो आपको बूस्ट क्लॉक स्पीड मिलेगी वो मिलेगी 3.9 GHz की रैम। और यहाँ पे कैच की बात करें तो आपको 6 MB की यहाँ पे कैच मेमोरी मिल जाएगी, और बाकी TDP यहाँ पे आपको 65 W की मिलेगी। और ये प्रोसेसर APU आपको यहाँ पे 10,000 रुपये के अंदर मिल जाएगा Amazon के ऊपर, और बाकी वेबसाइट्स पे भी आप चेक करो तो और भी कम में मिल सकता है। तो अब चलते हैं अपने मदरबोर्ड की तरफ। तो यहाँ पे जो हमने मदरबोर्ड लिया है वो अपने बजट के हिसाब से लिया है, जो कि MSI का A320M Pro VDS V2 मदरबोर्ड है, जो कि आप लोगों को प्राइम AVGB वेबसाइट के ऊपर 3,300 रुपये के अंदर मिल जाएगा। तो देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा बेसिक सा ये मदरबोर्ड है, लेकिन जितना इसका प्राइस है उस हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आपको ये वैल्यू प्रोवाइड करा देगा। और यहाँ पे आप लोगों को एक VGA पोर्ट भी मिल जाता है कि जिन लोगों के पास में मॉनिटर जो है वो VGA पोर्ट कनेक्टर के साथ आता है तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई अलग से कन्वर्टर आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और A320 मदरबोर्ड के अंदर आप लोग अपने CPU को ओवरक्लॉक नहीं कर सकते हो, लेकिन आप लोग अपनी RAM को ओवरक्लॉक कर सकते हो। और यहाँ पे जो हमने रैम ली है वो G-Skills की तरफ से ली है, G-Skill RipJaws, जो कि 8 GB की रैम है, और ये 3000 MHz पर आती है, और 3,500 रुपये की आपको प्राइम 1 GB पर मिल जाएगी। और बाकी अगर आप लोग चाहो तो इसको और ओवरक्लॉक भी कर सकते हो। और बाकी अगर आप लोगों को Corsair की रैम चाहिए तो आप लोग वो भी ले सकते हो, 3,800 रुपये की मिलेगी आपको Amazon पर, लेकिन यहाँ पे बजट के हिसाब से हमने 3,500 रुपये की ये वाली रैम को लिया है। पावर सप्लाई की बात करें तो यहाँ पे हमने Entek की तरफ से BP450P 450 W का नॉन मॉड्यूलर एक पावर सप्लाई को लिया है, जो कि 2600 रुपये के अंदर आपको Amazon पर मिलेगा। और अगर आप इसको दूसरी वेबसाइट्स पर देखो जैसे कि प्राइम AVGB हो गई, तो वहाँ पे आप लोगों को ये और कम प्राइस में मिल जाएगा, तो प्राइम AVGB पर ही आपको 2200 रुपये के अंदर अंदर मिल जाएगा। तो अब आते हैं स्टोरेज की तरफ। तो यहाँ पे हम लोगों ने 500 GB की हार्ड डिस्क ली है जो कि Seagate की तरफ से है, और 1620 रुपये के अंदर आपको मिल जाएगी Amazon पर, और ये आती है 7200 RPM के अंदर अंदर। तो आप लोगों का अगर बजट है कि आप 1 TB लगा सकते हो तो आप 1 TB भी लगा सकते हो। और यहाँ पे एक SSD लगाना ज़रूरी था ताकि आपको ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मिले, तो यहाँ पे हमने 240 GB की SSD ली है, लेकिन अगर आप लोगों का बजट कम है तो आप 120 GB भी ले सकते हो। तो यहाँ पे जो 240 GB है वो आपको 3,200 रुपये के अंदर अंदर मिल जाएगी, आपको इसी भी कंपनी की लगा सकते हो। और जो 120 GB की SSD है वो आप लोगों को आराम से 2,300-2,400 रुपये के अंदर अंदर मिल जाएगी। तो अभी तक वीडियो में जितने भी मैंने पार्ट्स बताए तो इनका अगर हम टोटल करें तो 23,600 रुपये हो जाता है, और 25,000 होने में बचते हैं अब सिर्फ 1,400 रुपये। तो उसके अंदर आप लोग कोई सा भी एक कैबिनेट ले सकते हो सस्ता सा। आप अगर लोकल स्टोर वगैरह पे चेक करोगे तो आपको 800 से 1,000 या 1,200 रुपये के अंदर अंदर एक कैबिनेट मिल जाएगा, लेकिन अगर आप लोगों को RGB के साथ में एक कैबिनेट चाहिए तो आपको कम से कम 2,500 रुपये पे करना पड़ेगा। और एक कैबिनेट है जो चिप्ट्रॉनिक्स की तरफ से आता है 1900 रुपये के अंदर, फ़िलहाल वो अमेज़ॉन पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आप लोग उसको ऑफलाइन चेक करो तो आपको मिल जाएगा। उसमें
आपको सामने की तरफ एक वो मिल जाती है RGB स्ट्रिप और पीछे की तरफ में एक RGB फैन भी मिल जाता है। तो 1900 रुपये के अंदर अंदर काफ़ी ज़्यादा सही एक कैबिनेट है वो। तो अगर आपको वो मिल जाए तो आप वो ले लो, और अगर बजट कम है तो 800 1000 1200 रुपये तक का एक कैबिनेट ले सकते हो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कर देना।